इंडिया का हैलोवीन, भूत चतुर्दशी, छोटी दिवाली के दिन मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल के बारे में आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि भूत चतुर्दशी के दिन इंसानी और रूहानी दुनिया के बीच का रास्ता खुल जाता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक वैसा ही जैसा बाहर के देशों में हैलोवीन पर या डे ऑफ द डेड पर होता है। तो आज की कहानी है इंडिया के हैलोवीन भूत चतुर्दशी के बारे में। मनन के मॉम डैड शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और मनन वहीं पर पला बड़ा था, पर कुछ ही सालों में मनन की मॉम गुजर गई थीं। वो और उसके डैड अकेले ही अमेरिका में रहते थे। इस बार मनन के पापा को एक पुरानी प्रॉपर्टी के चलते एक महीने के लिए इंडिया आना था और वो मनन को अपने साथ ले जा नहीं सकते थे, इसलिए इंडिया आकर मनन के पापा ने उसे उसकी कोलकाता में रहने वाली मासी सुमोना के पास ही छोड़ दिया। मनन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हैलोवीन आता था जो मनन को बहुत पसंद था। मनन ने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और चुपचाप अपनी मासी के घर चला गया। मनन की मासी का घर बहुत ही आलीशान था। उनकी फैमिली में कुल मिलाकर 5 लोग थे, मनन के कजन भाई बहन, मौसा मौसी और घर की सबसे बड़ी दादी। दूसरे दिन जब मनन सुबह उठा तो उसने देखा कि पूरा घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। घर का माहौल देखकर मनन का मूड भी ठीक होने लगा था। तभी मनन की नजर अपनी दादी पर गई। वो घर के मंदिर के पास बैठकर एक थाली में 14 दिए सजा रही थीं। मनन ने दादी से जाकर उन दियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दिए आज की रात के लिए बहुत जरूरी हैं। इतना कहकर दादी अपना काम करने लगी। तभी अचानक से उसी कमरे की खिड़की जोर जोर से बजने लगी। घर का कोई भी मेंबर उस बात से चौंका नहीं। मनन ने ध्यान से देखा तो बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस खिड़की को कोई जानबूझकर धक्का दे रहा हो। मनन ने अपने कजन को इशारा कर वो खिड़की दिखाई, पर उसने मनन की तरफ देखकर अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा। कुछ ही समय में वो खिड़की हिलना बंद हो गई। मनन को ये बात बहुत अजीब लगी, पर फिर वो अपने कजन्स के साथ डेकोरेशन के काम में लग गया। तैयारियों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सभी घर वालों ने मिलकर पूजा शुरू की। मनन की मासी ने उसे बताया कि आज भूत चतुर्दशी है। लोग मानते हैं कि इस दिन गुजर चुके लोग आत्मा के रूप में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आते हैं, पर कभी कभी उन आत्माओं के साथ इंसानी दुनिया में कुछ बेहद बुरी आत्माएं और शक्तियां भी इंसान के घर में घुस सकती हैं और उसकी जिंदगी तक ले सकती हैं। मनन की मासी ने ये सब कहते हुए प्लेट में रखे उन 14 दियों को जलाना शुरू कर दिया। दिए जलाते वक्त अचानक से घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और वही खिड़की ठीक दोपहर की तरह बजने लगी। मनन को अब डर लगने लगा था, क्योंकि घर का कोई भी इंसान कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। जैसे ही उसकी मासी ने आखिरी दिया जलाया, घर में एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। मनन के मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन उसने अपनी घबराहट के मारे किसी से कुछ पूछा नहीं। सब लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद सभी घर वाले सोने चले गए, पर मनन को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उठकर किचन में पानी पीने चला गया। पानी पीते हुए मनन को खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। मनन ने ध्यान से देखा तो उसे खिड़की पर एक हाथ नजर आया जो खिड़की को बजा रहा था। ये देखकर मनन की रूह कांप उठी, पर न जाने क्यों उसके पैर उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। मनन जैसे ही खिड़की के नजदीक पहुंचा, अचानक से खिड़की के पास रखे दियों की रोशनी बहुत तेज हो गई और खिड़की पर मनन को दिखा कि वो हाथ गायब हो गया। मनन ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था,
वो उन दियों के पास बैठ गया और उन्हें नजदीक से देखने लगा। उन्हें देखते देखते अचानक से मनन को जोर से एक छींक आई और उस छींक से उन 14 दियों में से एक दिया बुझ गया। उस दिए के बुझते ही मनन को बहुत तेज ठंड लगने लगी। वो उस दिए को जलाने के लिए माचिस उठाने पीछे मुड़ा तो उसने जो देखा उससे उसका दिल ही दहल गया। उसने देखा कि वही खिड़की जिस पर उसने कुछ देर पहले उस हाथ को देखा था अब खुली हुई थी और ठीक उस खिड़की के साथ एक आदमी खड़ा था जिसका आधा मुंह बीच से कटा हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ मनन को देख रहा था। उसकी भयानक मुस्कान देखकर मनन की चीख निकल गई और वो वहां से अपने कमरे की ओर भागा। वो जैसे ही अपने कमरे में घुसा तो उसे एक बूढ़ी औरत उसके बेड पर बैठी दिखी। मनन की आहट से उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह पीछे मोड़ा और मनन की ओर देखा तो मनन के होश उड़ गए। उस बूढ़ी औरत ने अपनी पूरी गर्दन उल्टी घुमा ली थी और उसकी शक्ल बहुत ज्यादा भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से मर चुकी हो। मनन फौरन उस कमरे से बाहर भागा पर वो जहां भी जा रहा था उसे बस मरे हुए लोग ही दिखाई दे रहे थे। मनन ने चीख चीख कर अपने घर वालों को आवाजें लगाई पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। भागते भागते मनन घर के हॉल में आ गया था। देखते ही देखते सभी मरे हुए लोग जो मनन को दिख रहे थे वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। मनन का दिल जोरों से धड़कने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। कुछ ही सेकंड्स में मनन जमीन पर गिर गया और अपने होश खो बैठा। जब मनन की आंख खुली तो उसका पूरा परिवार उसके साथ बैठा हुआ था। मनन घबराकर इधर उधर देखने लगा और घबराते हुए कहने लगा, वो सभी यहीं हैं, इसी घर में। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया और उससे कहा, चिंता मत करो, वो सब चले गए हैं। मैंने वो दिया जो बुझ गया था वो फिर से जला दिया। अब हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। दादी ने मनन को बताया कि भूत चतुर्दशी के दिन उन 14 दियों को इसलिए जलाया जाता है ताकि बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा हो पाए। मनन से जब एक दिया बुझ गया था तो सभी भूत प्रेत और बुरी शक्तियां उस पर हावी हो गईं और उसके साथ ऐसा हुआ। मनन के पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा होगा उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से वो अपने किस्से कहानियों में भूत चतुर्दशी को इंडिया का हैलोवीन कहने लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।